हाय बच्चों, मेरा नाम राज पांडे। वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल, ठीक है, बाय सूरज सर एंड राज सर। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का पॉलिटिकल साइंस, बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का पॉलिटिकल साइंस पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड का पॉलिटी, क्या पॉलिटी। ओके, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख जो है विशेषताएं लिखिए, क्या विशेषताएं हैं। अथवा में करके दिया हुआ है, राजनीति शास्त्र की परंपरागत परिभाषा का उल्लेख कीजिए, परंपरागत परिभाषा का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उत्तर, उत्तर क्या है? उत्तर देखिए हम लोग पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित है। किस पर है? तर्क और कल्पना पर आधारित है। कंक्लूजन पर, राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित है। आदर्शात्मक अध्ययन जिसके प्रमुख आधार नैतिकता और राजनीतिक मूल्य हैं। आदर्शात्मक अध्ययन है जिसके प्रमुख आधार नैतिकता और राजनीतिक मूल्य हैं। आदर्श विधिता इस परंपरागत दृष्टिकोण की सबलता तथा कमजोरी दोनों ही है। कौन है? आदर्श विधिता क्या है? इस परंपरागत दृष्टिकोण की सबलता तथा कमजोरी दोनों है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से होता है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण जो है प्लेटो से होता है, जिसने अपनी अमर रचना रिपब्लिक से आदर्श राज का चित्रण किया है। चित्रण किया है। ओके, इज दैट क्लियर? प्लेटो का यह आदर्श राज तर्क और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान है। रोमन विचारक सिसरो तथा मध्य युग में ऑगस्टाइन के चिंतन में पारंपरिक राजनीतिक विज्ञान की झलक देखने को मिलती है। क्या है? सिसरो तथा मध्य युग में ऑगस्टाइन के चिंतन में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की झलक देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? आधुनिक युग में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के प्रबल समर्थकों की काफी संख्या जो है आधुनिक युग में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के प्रबल समर्थकों की संख्या काफी है। ओके, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, लॉस्की, आगस्टॉक, लियोस्ट्रॉस इत्यादि की रचनाओं में परंपरागत के दर्शन मिलते हैं। ठीक है, परंपरागत के दर्शन मिलते हैं। ठीक है, लॉस्की, ऑगस्टॉक, लियोस्ट्रॉस आदि इत्यादि की रचना में परंपरागत के दर्शन होते हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या हैं? निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ, कल्पनात्मक तथा आदर्शी। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है तथा फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। देखिए यहाँ, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो है बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है, मस्तिष्क में फिट कर लिया जाता है तथा फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप में दे दिया जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? उदाहरणार्थ प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की तो फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज की संरचना की। ठीक है, इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्श सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है। किस सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है? आदर्श सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है। इसका जीवन के ठोस तत्वों से विशेष संबंध नहीं होता है। किससे? ठोस तत्वों से विशेष संबंध नहीं होता है। ध्यान देने योग्य बात है ये, ठोस तत्वों से विशेष कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर? अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां अपरिष्कृत परंपरागत
पद्धतियां, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान अध्ययन पद्धति, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहासवादी इतिहासवादी दर्शन प्रधान वर्णात्मक रहा है, दर्शन प्रधान वर्णात्मक रहा है। यह लंबे समय तक इतिहास की चार दीवारी में फला फूला तथा ऐतिहासिक कल्पनाओं के चारों ओर अपने अध्ययन सामग्री को संजोता रहा है, राजनीतिक चिंतकों के पॉलिटिकल थिंकर, राज्य कानून, संप्रभुता, अधिकार, न्याय आदि संकल्पनाओं के विवेचन में ही राजनीति विज्ञान को परिसीमित कर दिया। राजनीतिक विज्ञान को क्या किया? परिसीमित कर दिया। कौन परिसीमित कर दिया? देखिए यहाँ, राज्य कानून, संप्रभुता, अधिकार, न्याय आदि संकल्पनाओं ने राजनीति विज्ञान को परिसीमित करके रख दिया। ठीक है, थर्ड नंबर टॉपिक अब हम लोग देखते हैं क्या है थर्ड नंबर टॉपिक। ठीक है, नैतिकता तथा राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया, किस पर बल दिया गया? नैतिकता तथा राजनीतिक मूल्यों पर। परंपरागत राजनीति विज्ञान, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स उपदेशात्मक तथा नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान किस पर बल देता है? उद्देश्यात्मक तथा नैतिकता। देखिए यहाँ, उद्देश्यात्मक तथा नैतिकता इस पर विशेष बल देता है, राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इसका मुख्य सरोकार, क्या है, क्या होना चाहिए, और इसका कार्य नैतिक निर्णय देना, यह राजनीति का नीति शास्त्र, नीति शास्त्र है, से घनिष्ठ संबंध मानता है। इसका राजनीतिक से नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसके लिए इसके मतानुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमादेश मात्र है। माना जाता है। राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। अरस्तु के मतानुसार, क्या है? राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए। ठीक है, और रूसो के अनुसार क्या है? सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामाजिका हित हो और समान इच्छा हो तथा समान इच्छा ही राज्य हो। कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल दिया गया। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को? नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। जहां कहीं भी नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम हो, फिर से बताएंगे। ठीक है, क्लियर। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान क्या है? कानूनी औपचारिक संस्था का अध्ययन पर बल दिया गया, और परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का बिंब राजनीति एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा, तथा इसका अध्ययन भी कानूनी औपचारिकता संस्थागत था, जहां लिखित संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूशन राइटर थे, लिखित संविधान हुआ करते थे, वहां संविधान के में उल्लिखित, बहुत सारे चीज उल्लेखित रहते हैं, उस तरह संविधान में जो है वहां उल्लेखित जो थे, ओके, संविधान में उल्लेखित कहां थे हम, देखिए यहां, जहां लिखित संविधान थे, क्लियर, वहां संविधान में उल्लेखित प्रावधानों तथा जहां लिखित संविधान नहीं थे वहां कानूनों द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है, केवल उक्त बात को विस्तृत रूप में दर्शाना इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययन का उद्देश्य रहा है। क्लियर। छ नंबर, प्रधानतः संकुचित अध्ययन, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के लेखकों की विशेषता रही कि उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु मात्र पश्चात राज्यों की शासन पश्चात राज्यों की शासन व्यवस्थाएं ही
रहें, मात्र राज्यों की शासन व्यवस्थाएं ही रहें। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के लेखकों की विशेषता रही है कि उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु पश्चात राज्यों की शासन व्यवस्थाएं ही रहीं, ठीक है। अध्ययन मुख्यतः यूरोप तथा अमेरिका तक सीमित रहते थे। कहां तक सीमित रहते थे बताइए, अध्ययन कहां तक सीमित रहते थे? यूरोप तथा अमेरिका तक ही सीमित हुआ करते थे अध्ययन, ओके। उन्होंने साम्यवादी जगत तथा तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। एक्सटिन तथा एप्टर के शब्दों में, एक्सटिन तथा एप्टर के शब्दों में, ओके। परंपरागत दृष्टिकोण पश्चात राजनीति व्यवस्थाओं तक सीमित रहा तथा प्रमुखता एक संस्कृति संरूपण तथा समूहों की ही इसमें अध्ययन किया गया, ठीक है। परंपरागत दृष्टिकोण पश्चात राजनीति व्यवस्थाओं तक सीमित रहा, राजनीति व्यवस्थाओं तक सीमित रहा, क्लियर। प्रमुखता एक संस्कृति संरूपण तथा समूह की ही इसमें अध्ययन किया गया, क्लियर। सेवन नंबर क्या है, देखिए यहाँ सेवन नंबर क्या है बच्चों, ध्यान देने योग्य बातें हैं। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन क्या है, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, सेवन नंबर पॉइंट, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन यही पढ़ना है हम लोग, सेवन नंबर पॉइंट, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत मान्यताएं अवधारणाएं तथा निष्कर्ष के प्रतिपादक के व्यक्तित्व अनुभवों के अनुभवों तथा मान्यताओं से निश्चित हुए हैं, अनुभवों तथा मात्राओं से निश्चित हुए हैं, क्लियर। इसलिए यह कहा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करता है, व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करता है, क्लियर। दर्शनशास्त्र से प्रभावित अध्ययन, दर्शनशास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का बहुत बड़ा, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का बहुत बड़ा भाग दर्शनार्थ से अत्यधिक प्रभावित है। किससे अधिक प्रभावित है? दर्शनार्थ से अत्यधिक प्रभावी है। किससे प्रभावी है? दर्शनार्थ से अत्यधिक प्रभावी है। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र पर सर्वत्र दर्शनार्थ इस प्रकार छाया हुआ है कि हमें राजनीतिक विज्ञान दर्शनार्थ की एक उपशाखा जैसी प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? शाखा जैसी प्रतीत होती है, ठीक है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञानियों ने राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र की घनिष्ठता पर इतना अत्यधिक बल दिया कि इनका संयोग से ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का प्रचलन हुआ, संयोग से ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का क्या हुआ, प्रचलन हुआ, जिसे राजनीति दर्शन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीति दर्शन कहा जाता है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, अच्छा लगे तो। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। संक्षेप में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कल्पना तथा दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? कल्पना तथा दर्शन पर आधारित है। इसके अनुसंधान तथा विश्लेषणात्मक प्रमुख विधियां ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक ही रही हैं। इनके निष्कर्ष तर्क पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? तर्क पर आधारित हैं, कंक्लूजन पर, तथा ये औपचारिक कानूनी तथा संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं, ठीक है। किस पर बल देते हैं? औपचारिक कानूनी तथा संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। उत्तर कंप्लीट हो गया बच्चों। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स बरेली।